सुंदरनगर उपमंडल के सिलापड़ पंचायत के चाकली गांव में मदन लाल का अंतिम संस्कार बुधवार को कर दिया गया, मगर जैसे ही मंगलवार को पीजीआई से मदन लाल का शव उनके घर लाया गया, उस समय हर तरफ मातम फैल गया। आपको बता दें, मदन लाल अभी कवारा था, लेकिन वो अपनी और अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारी में पैसे इकट्ठे कर रहा था, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे के बाद परिवार जहां आर्थिक और मानसिक रूप से टूट गया है। परिवार में आर्थिक संकट आने के बाद बहन की शादी अधर में लटक गई है। वहीं मां की बीमारी का इलाज करवाने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि मदन लाल ने जीते जी अपने स्तर पर पूरे घर को चला रखा था। लेकिन मदन लाल की अचानक हत्या से सभी और अंधेरा दिख रहा है। उधर परिवार को जानकारी मिली है कि सभी आरोपी पकड़े गए हैं। गांव वासियों ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को सख्त सजा मिले। उधर सिलापड़ पंचायत के उप प्रधान जगदीश ठाकुर ने पंचायत से फौरी राहत और मुख्यमंत्री राहत कोष से बड़े मुआवजे की मांग की है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।